नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 1 साल की दलित बच्ची को खिलाने के लिए ले गया 50 साल का पड़ोसी रहमान खान, रेप करके किया लहूलुहान। यूपी पुलिस ने धर दबोचा। आप इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बहराइच में 1 साल की हिंदू बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भोंदू रहमान नाम के आरोपी की उम्र 50 वर्ष है। पुलिस ने रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन द्वारा मामले को फास्ट ट्रैक में चलवाने का ऐलान किया गया है। घटना शनिवार 17 फरवरी 2024 की। रेप के बाद उसने पीड़िता की मां को गालियां भी भकी, उन्हें मारने भी लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला बहराइच के थाना क्षेत्र नानपारा का है। यहां शनिवार को पीड़ित परिवार ने पुलिस में अपनी 1 साल की मासूम से रेप किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में बच्ची की मां ने बताया कि वो दूध मोई बेटी के साथ सरसों के खेत में गई थी। पीड़िता खेत के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला 50 साल का भोंदू रहमान वहां आया। भोंदू ने बदनीयती से बच्ची का मुंह दबाकर उससे जबरन रेप किया। बाद में बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर पीड़िता की मां वहां पहुंची। पीड़िता की मां को देखकर भोंदू रहमान मौके से भाग निकला। बच्ची लहूलुहान हालत में थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस अधीक्षिका बहराइच वृंदा शुक्ला के निर्देश पर बच्ची को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है। इधर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में FIR दर्ज के फरार चल रहे भोंदू रहमान की तलाश शुरू कर दी है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यू भारत।